हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, और वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, ये अपडेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अपडेट ये है कि अब जीएसटीआर 2B का जो डाटा है वो आपकी जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो अपडेट है स्पेसिफिकली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, उसके लिए आई नीड टू लॉग इन टू माई पोर्टल। तो मैं चलिए लॉग इन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। तो ये मैंने लॉग इन कर लिया। नाउ आई विल गो टू द फाइल रिटर्न टैब। तो अब जब मैं नवम्बर की रिटर्न फाइल करूंगी, मेरे केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर चुकी हूँ और मैंने आप लोगों के लिए जीएसटीआर 2B का समरी भी निकाल दिया। अब ये मेरी मेरे को निल रिटर्न नहीं फाइल करनी, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता है कि सिस्टम जनरेटेड जो समरी है जीएसटीआर 3B की, वो कहाँ से आती है। जीएसटीआर 1 से आपका टेबल 3.1 जीएसटीआर 3B का फिल होता है। जीएसटीआर 2B से आपका ITC वाला जो टेबल है, टेबल 4, और जो रिवर्स चार्ज वाला टेबल है, अगेन विच इज टेबल 3.1, वो फिल होता है। अब ऑटो जनरेटेड समरी तो पहले भी आती थी, अब जो चेंज आया है वो चेंज ही आया है। सबसे पहले तो आप देखेंगे ये जो डाटा है पूरा यहाँ पे, ये फिल्ड है। ये फिल्ड जीएसटीआर 1 के बेसिस पे, अगर आप टेबल 3.1 देखेंगे, क्योंकि मैं अपनी जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल कर चुकी हूँ, तो ये जो ऊपर अगर आप देखेंगे मैसेज भी लिखा आ रहा है कि ये जो डाटा है, अगेन लेट मी, ये जो पूरा डाटा है ये आपका ऑटो ड्राफ्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1। जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड द इम्पोर्टेंट चेंज इज देयर इज इन एलिजिबल ITC। अब देखेंगे ये जो मेरा एलिजिबल ITC है, ये यहाँ पे जो डाटा है इट इज फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B। तो मैंने जीएसटीआर 2B भी डाउनलोड करके रखा है। लेट मी शेयर द जीएसटीआर 2B विद यू। ये जो डाटा है, दिस इज द जीएसटीआर 2B स्टेटमेंट। ये ITC यहाँ पे जो आ रहा है वो जीएसटीआर 2B के बेसिस पे ITC आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो IGST जो आ रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स, 40 लाख के आसपास है। सेंट्रल टैक्स अगेन और स्टेट टैक्स जो 6,300 के आसपास का ITC आ रहा है। नाउ वॉट इज द बिग चेंज। अब मैं अब इस ITC को चेंज करती हूँ। मैं यहाँ पे डालती हूँ मेरा ITC, सपोज मैं यहाँ पे 55 लाख का ITC लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यहाँ पे 55 लाख का ITC डाला, 55,50,000 का, आप देखेंगे ये टैब रेड हो गई। ऊपर मैसेज आ गया, ऊपर नोट आ गया कि जो आप ITC फिल कर रहे हो, इट इज इन वेरियंस विद द डाटा विच इज ऑटो पॉपुलेटेड, एंड दैट डाटा हैज बीन ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B। फ्रेंड्स, नाउ सिंस दिस ITC इज मोर देन द ITC विच इज एलिजिबल एज पर द जीएसटी रूल्स, यहाँ पे रूल 36(4) का रेफरेंस दिया है। ये जो ITC है ये रूल 36(4) के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फ्रेंड्स आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते हो। यानी अब आपने अगर ITC रूल 36(4) से ज्यादा का लिया तो आपकी रिटर्न ही नहीं फाइल हो सकती। अब देखिए जब मैं इसको कंफर्म करती हूँ, यहाँ पे ये पूरा मेरा बॉक्स रेड हो गया, ऊपर मैसेज आ गया कि ये जो रिटर्न है ये आप फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिस इज इन वेरियंस ऑफ द 10% ऑफ ITC विच इज अवेलेबल इन GSTR 2B। सो फ्रेंड्स, दिस इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू रूल 36(4). मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, वो पूछते थे कि क्या जो रूल 36(4) के अकॉर्डिंग ITC आ रहा है उससे ज्यादा गर्म ले सकते हैं, ITC नहीं ले सकते हैं। तो अभी तक तो पोर्टल पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, अब इन्होंने पोर्टल पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब अगर आप नीचे देखेंगे, अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे, ये देखिए मैंने सेव करा इसको, सेव करके मैं अगर आगे प्रोसीड करूं, आप देखिए मेरा ये पूरा जो टैब है ये रेड हो गया। ये मुझे सीधी सीधी वार्निंग दे रहा है कि दिस इज इन कॉन्ट्रावेंशन, और यहाँ पे मेरे को वार्निंग आ गई है कि ये जो आपका ITC है इट इज इन वेरियंस, इसको प्लीज रीचेक कीजिए और तब प्रोसीड कीजिए। अगेन अगर मैं
इसको प्रोसीड करूं फाइल करने के लिए, ये मेरे को बार बार वार्निंग मेरे को दे रहा है कि आप क्योंकि आपका आईटीसी ज्यादा है तो प्लीज इसको रीचेक कीजिए, इसको प्रोसीड कीजिए। इट सिंपली मींस फ्रेंड्स, अब आपका जो GSTR 2B में आप डाटा भर रहे हो, इट इज नाउ डायरेक्टली लिंक्ड। और सबसे पहले तो अगर आप रिटर्न फाइल करने की कोशिश करोगे तो आपको वार्निंग देगा, एंड नाउ देयर हाई चांसेस कि अगर आपने जो GSTR 2B में आपका डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके 10% से ज्यादा अगर आपने क्रेडिट लिया, तो देयर हाई चांसेस दैट यू विल गेट नोटिस फ्रॉम द GST अथॉरिटी। सो फ्रेंड, दिस वाज अ न्यू चेंज दैट हैज कम। ये एक इन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से टैक्स पेयर्स को एक आप कह सकते हो झटका दिया है, बट अगेन दिस इज द सिस्टम। एंड आप लोग भी प्लीज अपना लॉगिन करके एक बार चेक कीजिए, ये जो नया चेंज आया है आप लोगों को सबको देखना पड़ेगा। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते थे कि क्या GSTR 2B में जो आ रहा है ITC उतना इनपुट लेना है नहीं लेना, ये चीजें पूछते थे। नाउ द चेंज हैज बीन मेड ऑन पोर्टल, सो इफ यू आर टेकिंग ITC व्हिच इज मोर देन व्हिच इज कमिंग इन GSTR 2B, कॉन्सिक्वेंस आप सबके सामने है। सो फ्रेंड्स, इट इज लाइक वेरी वेरी ऑब्वियस कि अब रिकन्सिलेशन करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब GSTR 3B की फाइलिंग की ड्यू डेट भी आ रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने रिकन्सिलेशन नहीं किया है तो वो प्रॉपर रिकन्सिलेशन बना के रखे और इस तरह की ये जो सिचुएशन आ गई है उसके लिए रेडी रहे। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द अपडेट विच आई वॉन्टेड टू गिव। होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।